अंबाला कैंट बीपीएस प्लेनिटोरियम में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज के द्वारा कार्यकर्ता धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे, जिनमें भारी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। वहीं मौके पर जीत की खुशी में महिलाओं ने खूब डांस किए। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह भारत माता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्प अर्पित कर की गई। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने मंच से सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। खुशी के मौके पर उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया। साथ ही जो लोग चुनाव के दौरान उन्हें छोड़कर चले गए, यानी बीजेपी से दरकिनार कर लिया और विपक्ष के साथ मिल गए, उन्हें गद्दार कहकर अपने कार्यक्रम में आने से मना कर दिया। वहीं बीजेपी के जिला कोषाध्यक्ष आशीष तायल का मंच से नाम सार्वजनिक किया और उन पर चुनाव के दौरान उनके खिलाफ साजिश रचने का भी इल्जाम लगाया। हमने शांतिपूर्वक तरीके से आज तक सारे चुनाव लड़े, शांतिपूर्वक तरीके से। ऐसे ही एक और गांव में कोशिश की गई, गरनाला में। मैंने डीजीपी को, डीसी को, एसपी को, इलेक्शन कमीशन को और आरओ को मैंने जाने से पहले बता दिया कि मेरा वहां कार्यक्रम है और मैं जाऊंगा जरूर। और ऐसे वहां तो हमने देखा सारे कांग्रेस के लोग थे। इस बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दो दो झंडे बांटे गए, एक किसान यूनियन का, एक कांग्रेस का। जैसा मौका होता था वैसा झंडा उठा लेते थे। सरपंच था वहां का,